सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता माने गए हैं शुक्र को, और यही शुक्र देवता अभी गोचर परिवर्तन के दौरान आपके चतुर्थ भाव पर आए हुए हैं। मीन लग्न मीन राशि के ठीक चतुर्थ भाव पर शुक्रदेव आए हुए हैं, जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इनका ट्रांजिट परिवर्तन। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये कब से आ रहे हैं और इसका क्या बहुत ही प्रभावी प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये प्रारंभ हो रहे हैं 2 मई 2023 से। 2 मई 2023 को 1:59 दोपहर में ये प्रविष्ट हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव पर, और कब तक रहेंगे तो 30 मई 2023 तक रहेंगे। रात्रि के 7:38 तक ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। चतुर्थ भाव पर जब आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे, तो आप समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपके तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव काहे का, आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके जीवन में जो आपने संघर्ष किया है उसके सुख का भाव है। क्यों? क्योंकि ये अगला भाव सुख का भाव है। कहाँ पर आए हैं शुक्राचार्य जी? सुख भाव में आए हैं। तो यदि सुख का भाव शुक्र का माना गया है और शुक्र उसी भाव में आ जाए, तो एक प्रकार से आप ऐसा मानिए कि शुक्र देव जहाँ पर होते हैं उस भाव को जागृत करते हैं, उस भाव में आनंद की उपस्थिति हो जाती है। तो आनंद कहाँ आ गया? आनंद आ गया आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव काहे का? आपके जीवन में आपका निवास स्थान, ये आपका कुटुंब है तो ये आपका निवास है। तो निवास भाव जहाँ पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, चाहे कहीं पर किराए के मकान में रह रहे हैं, अपने मकान में रह रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, वही आपका निवास स्थान है। तो निवास स्थान पर यदि शुक्र आ जाए तो सबसे पहले तो वहाँ आनंद की अनुभूति कराते हैं। आनंद की अनुभूति का मतलब ये हो गया कि कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। कोई विवाह हो जाए, कोई मांगलिक कार्य हो जाए, किसी कोई संस्कार अच्छे हो जाए, जिनके कारण आपको हो सकता है इस दरमियान अपने घर जाना भी पड़ जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके परिवार हैं, आपके घर हैं, आप बाहर में भी रहते हैं, तो इस 27 दिनों का जो गोचर होगा वो आपको अपने घर से जोड़ेगा। घर से जोड़ने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए भाई आप अपने घर चले जाएं तो अच्छी बात है। बाय द वे जो लोग विदेश में हैं या जो लोग बाहर रहते हैं, अन्य प्रांत में हैं, अन्य राज्य में हैं, वो कैसे करें? तो उनको कोई ना कोई ऐसा संबंध जरूर बनेगा कि वो एक दिन के लिए ही जाएं तो अपने घर से संबंध जुड़े। हो सकता है इस समय फोन से वार्तालाप आपका घर से अधिक हो, क्योंकि ये भाव आपके संचार माध्यमों का है, ऑनलाइन का भाव है, और संचार के माध्यम यदि चतुर्थ में जाएं तो ऑनलाइन के द्वारा भी हम अपने घर से जुड़ते हैं। दूसरी बात, जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं, जो जमीन भूमि क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, वो देखेंगे इस टाइम पर उनको अच्छा महसूस हो रहा है, उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग वास्तुशास्त्र हैं, जो वास्तु का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक सुखद अनुभूति और सुखद उनके धन का आगमन यहाँ पर बनता है। अब यही आपके पराक्रम है, तो जो आपने पराक्रम किया, पराक्रम अर्थात जो आपने रिस्क लिया है, उस रिस्क का प्रतिफल यहाँ पर देने को शुक्रदेव आए हैं, आप ऐसा मानिए। अब यहाँ पर आकर के आपके छोटे भाई, आप अपने घर में हैं, आपके छोटे भाई बहनों का आगमन इस 27 दिनों में आपके घर पे हो सकता है, या उनसे फोन पर बातचीत हो सकती है। कुल मिलाकर के परिवार में एक सौहार्द और सुख का वातावरण लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अब यही वो भाव है जो लग्जरी हमारे लाइफ का है। आप अपने घर में इस टाइम पर कोई ना कोई सामान हो सकता है परचेस करें, किस कहां पर? अपने घर के लिए, क्योंकि घर भाव पर शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य है, शुक्र सजावट है, तो आप अपने घर को सजावट करेंगे। अब यहीं पर सजावट करेंगे, हो सकता है घर पर गृह प्रवेश हो सकता है कोई मांगलिक कुछ ना कुछ अच्छा कार्य यहां पर जरूर होगा। अब चूंकि यहां पर ये तीसरे भाव के स्वामी है, साथ में ध्यान से समझिएगा, साथ में ये आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो जाता है जो परिवर्तन का होता है। तो परिवर्तन भाव के स्वामी सुख भाव में आए हैं, मतलब हमारे सुखों में परिवर्तन, हमारे जहाँ पर हम अपने घर में रह रहे हैं वहाँ पर परिवर्तन का योग भी यहाँ पर बना सकता है। परिवर्तन का योग मतलब जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा नया घर हम बदलना चाह रहे हैं तो किसी कारण से अभी तक बदल नहीं पाए हैं, तो ये संभावना बन सकती है कि हम अपना नया घर बदल दें। हो सकता है कि कोई अपने किराए के घर को बदल दे। कुछ नहीं होगा तो घर में कोई ना कोई परिवर्तन कार्य जरूर कराएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है शुक्राचार्य की दृष्टियां। अब यहां पर अष्टम भाव पीड़ा भाव को लेकर के यहां पर आए हुए, ये बात भूलना नहीं है। तो पीड़ा का भाव भी है अष्टम भाव, इस पीड़ा भाव को लेकर के आपके घर में आए हुए हैं, तो यहां पर सतर्कता यही रखनी है कि कोई अच्छा हम किसी से विवाद की स्थिति में ना जाए। हो सकता है हम किसी से विवाद कर लें और हमें वहां से पीड़ा मिल जाए, कष्ट मिल जाए। तो इस दरमियान कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो।
होए। तो ऐसी प्रयास कीजिए कि आपकी वाणी से, आपके कर्मों से दूसरों का हित हो, दूसरों को यदि लाभ मिलता है तो आप अपने जीवन को सार्थक माने। अब बात करते हैं उन दृष्टियों की जो शुक्र देवता के पास है। शुक्राचार्य के पास मात्र एक दृष्टि है, बाकी गुरु देवता, शनि देव, मंगल देव, राहु देव, केतु देव, इन सबके पास तो तीन तीन दृष्टियां हैं, लेकिन शुक्र के पास एक दृष्टियां हैं। कारण क्या है शुक्र के पास एक दृष्टियां, और वो एक दृष्टि भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए आपको ले चलते हैं वहां पर जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि जो दानव राजा है, राजा बलि सभी दानवीरों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। एक समय की बात है, आप समझिएगा बड़े ध्यान से, तो आप इस शुक्र की दृष्टि को समझ पाएंगे जो आपके कैरियर हाउस पर पड़ने वाला है, तो कैरियर पर कैसे वो प्रभाव डालेंगे। तो भगवान नारायण जो है उनसे तीन पग भूमि मांगने गए, उनसे वरदान, मतलब उनसे, क्योंकि वो दानी थे, तो दानी जो दान देता है, तो यज्ञ के समय पर यदि आपके घर अनुष्ठान हो रहा है उस टाइम पर यदि कोई दान मांगने आए तो उसे कभी निराश नहीं करना चाहिए। तो भगवान नारायण जब आते हैं तब राजा बलि ने कहा कि भाई वामन भगवान आपको प्रणाम है, और हे ब्राह्मण देवता आप हमसे क्या चाहते हैं। तो भगवान वामन भगवान ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र तीन पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा कि महाराज आप तो छोटे से हैं, आपको ज्ञात नहीं है, आप मात्र तीन पग भूमि मांग रहे हैं। अरे आप, मैं तो इतना बड़ा सम्राट हूँ, राजा हूँ, आप चाहें तो कई राज्य ले लीजिए, कहें तो मैं आपके सोने चांदी के खान आपको दे दूँ, आपको बहुत धन दे दूँ। भगवान ने कहा कि मुझे तीन पग भूमि ही चाहिए। इसीलिए कहा गया है आज लुटा दे रे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मुझे बहुत अच्छा गाना तो नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रसंग आया था तो समझा दिए। तो अब इस वहीं पर जब ये दान देने के लिए, संकल्प करने के लिए पात्र लिए जिसमें जल निकलता है, उस पात्र पर संकल्प करने के लिए तैयार हुए कौन, तो राजा बलि। तो उसी समय ये शुक्राचार्य जी महाराज आकर के रोक रहे हैं बलि को। बलि नहीं माने तो क्या किए, उस जो संकल्प पात्र है जहाँ से जल निकलता है वहीं पर अपना एक आँख लगा दिए, और एक आँख लगा करके मानो उन्होंने जल को रोक दिया हो तो जिससे संकल्प टूट जाए। भगवान नारायण, वामन भगवान ने देखा, तब एक नोक लिया, कांटे का नोक लिया और उससे वहां पर चुभा दिया, जिससे शुक्राचार्य के आंख चले गए, आंख नहीं रहा, आंख फूट गए, जिसके कारण शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। लेकिन भगवान नारायण ने, वामन भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हें ग्रहों की पदवी मिलेगी, जब तुम ग्रहों में तुम्हारा आधिपत्य होगा, तब तुम्हारी एक दृष्टि जो है यही दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, और जिस भाव पर यह दृष्टि पड़ेगी वो भाव को, चूंकि संकल्प के पात्र में तुम्हारा यह आँख पड़ा था इसलिए वहाँ पर संकल्पित हो जाएगा, वो कार्य आप सिद्ध कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से आपके लिए मीन लगन, मीन राशि के लिए ठीक यहाँ से सातवें भाव पर गिनते हैं जहाँ पर इनकी दृष्टि है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा भाव हो गया, सातवीं दृष्टि आपके दशम भाव पर। दशम भाव कहेगा आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र, इस भाव पर शुक्र की दृष्टि करियर में चार चांद लगाएगी, आपके कर्म क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव डालेगा। शुक्र स्वयं एक बहुत लग्जीरियस लाइफ देता है हमारे जीवन में, तो शुक्र सुख भाव पर तो है तो सुख में वृद्धि तो करेगा ही, साथ में यहां पर करियर में भी आप देखेंगे आपका नाम और आपका आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी का एक सुंदर सा अवसर यहां पर शुक्र
आचार्य जी बनाएंगे। कब तक? मात्र 27 दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं। इस 27 दिनों पर कोई ना कोई एक ऐसा बेस जरूर डल जाएगा आपके कर्म क्षेत्र पर जो आपको अच्छा आनंदित करेगा। हो सकता है इसी 27 दिनों में आप अपने करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाए, क्योंकि शुक्राचार्य की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव बहुत ही संकल्पित पूर्ण माना गया है, उस कार्य को पूर्ण होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। पुनः एक बार आपको बता दें कहाँ कहाँ बात हो रही है, तो आपके पराक्रम में यहाँ पर पराक्रम का आपको साथ मिलेगा, जो आपने पराक्रम दिखाए हैं वो पराक्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। घर में मांगलिक कार्य होने का शुभ योग है, घर में परिवर्तन का शुभ योग है, और सबसे बड़ी बात है कोई अच्छा लग्जरी आइटम या कोई अच्छा विलासिता की सामग्रियां घर पर आ सकता है इस टाइम पर। अष्टम भाव है चूँकि परिवर्तन का भाव है, तो यहाँ पर वाद विवाद से आपको बचना है, पीड़ा से बचना है, कोई किसी से कटु वचन कहना नहीं है, करियर भाव पर दृष्टि है, इसलिए करियर भाव को ग्रोथ करेंगे। उम्मीद है आप सभी मीन राशि के जातक जातिकाएं भाई बहनें इसे बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।